नमस्कार प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे और सभी की ए और डब्ल्यू की प्रिपरेशन वेल एंड गुड चल रही होगी। आज की जो अपनी क्लास रहने वाली है वो ए और डब्ल्यू के रिगार्डिंग ही रहने वाली है, जहां पे अपन आज के क्लास में पढ़ने वाले हैं वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस के बारे में। जी हाँ, वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस अपन आज के क्लास में पढ़ेंगे। जो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पोर्शन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है और यहाँ पे बहुत छोटे पोर्शन से आपके 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल। अगर अपन इन्हीं में बात करें वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस की, तो इसका अप्रोक्सीमेट एवरेज पिछले कुछ पेपर को देखते हुए लगता है कि 2 क्वेश्चन के आसपास वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस से तो पूछा ही पूछा जाएगा। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपना। जितने भी अपने पास में एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के स्टार्टिंग के टॉपिक थे, इंजन वगैरह के, ट्रैक्टर के, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम के, इसके अलावा पेट्रोल डीजल इंजन के और भी जितने भी टॉपिक थे, वो सारे अपन ने कंप्लीट कर लिए। अब आज की क्लास में अपन स्टार्ट करते हैं वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस। सबसे पहले अपन देखेंगे वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस किसको कहा जाता है और फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कौन कौन से मोस्ट कॉमनली वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस यूज किए जाते हैं। तो वॉटर लिफ्टिंग डिवाइसेज की अपन बात करते हैं तो देखो बेटा, एक सिंपल सी और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि वही वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस कहा किसको जाएगा। डिवाइस का मतलब एक ऐसी मशीन, एक ऐसी टेक्निक जिसको यूज करके अपन ने वॉटर को उसके सोर्स से, जहां वॉटर था वहां से उसे उठाकर वहां पहुंचा दिया जहां उसकी जरूरत थी, जहां उसका रिसीवर था। यानी एग्जांपल के लिए समझो, मान लिया ये तालाब है, मान लिया ये कोई कुआ है या कुछ भी मान लो, जहां पे क्या है भाई वॉटर का सोर्स है, मतलब यहां पे पानी इकट्ठा है, अपने को यहां से पानी लेना। मान लिया कोई पॉन्ड बना रखा है तो वो भी एक तरीके का सोर्स हो गया। और यहां पे कहीं पे अपन ने क्या कर रखा है, इस सोर्स से कुछ हाइट पे अपन ने क्या कर रखा है बेटा, आपके कोई क्रॉप लगा रखी है और इस क्रॉप को आपको क्या करना बेटा, इरिगेट करना। इरिगेट करने के लिए आपने वॉटर को यहां से वर्टिकली लिफ्ट किया और लिफ्ट करके यहां तक पहुंचा दिया। इस प्रोसेस में जो डिवाइस काम में लिया जाएगा वो वॉटर को वर्टिकली लिफ्ट कर रहा है, ऊपर उठा रहा है, इस वजह से इन डिवाइस को अपन ने नाम दे दिया वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस। तो सिंपल मैकेनिज्म है, वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस का मतलब क्या हो गया, ऐसे डिवाइस या ऐसी मशीन जो वॉटर को उसके सोर्स से लिफ्ट करके उसके रिसीवर तक पहुंचा देती है, जहां तक जरूरत होती है वहां तक पहुंचा देती है, वही आपका वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस कहलाता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस के अंदर, कि भाई वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस जरूरी नहीं कि आज के टाइम पे अपन यूज कर रहे हैं केवल वही वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस थे। बहुत पुराने समय से अलग अलग तरीके के वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस यूज किए जा रहे हैं, एंशिएंट टाइम से, पुराने टाइम से, जिनको अपन ओल्ड वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस भी कहते हैं, वहां से बहुत पुराने टाइम से, अपने दादा परदादा के टाइम से चलते आ रहे हैं वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस। लेकिन जैसे जैसे क्या हुआ, टाइम बीतता गया, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी आती गई और नए और एडवांस वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस आते गए। तो अपन स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे और एंड तक अपन जाएंगे। अगर अपन बात करें इन्हीं वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस को, तो अगर अपन इनको कुछ कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए तो इन वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस को अपन कैटेगराइज कर सकते हैं 3 डिफरेंट कैटेगरीज के। और ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज कौन कौन सी होगी, फर्स्ट आपकी होगी ह्यूमन पावर डिवाइस, सेकंड एनिमल पावर डिवाइस और थर्ड हो गई आपकी मैकेनिकल पावर डिवाइस। ठीक है, तो 3 तरीके से अपन क्या करते हैं या 3 अलग अलग कैटेगरी में अपन ने इनको डिवाइड किया। सबसे पहले ह्यूमन पावर डिवाइस, ह्यूमन पावर डिवाइस ऐसे डिवाइस होते हैं बेटा जिनके अंदर ह्यूमन पावर की वजह से ये सारे काम किए जाते हैं। पुराने समय में देखो या फिर आज भी कुछ गांव में जाकर आप देखोगे तो जो बहुत गहरे कुएं होते हैं उनसे भी पानी निकालने के लिए रस्सी और बाल्टी का यूज किया जाता है। अब देखो बाल्टी को पानी में डाला जाता है और फिर रस्सी से, एक चक्री लगी होती है उसके ऊपर से रस्सी से बाल्टी को खींचा जाता है। तो यहां पे जो पावर है बाल्टी को ऊपर खींचने के लिए काम में ली जा रही है वो ह्यूमन पावर है। ठीक है, ह्यूमन पावर लो होती है तो डेफिनेटली यहां पे जितने भी अपन काम करेंगे उनकी जो इफिशियंसी होगी या उनसे जो वॉटर लिफ्टिंग की जाएगी वो डेफिनेटली कम होगी। फिर एनिमल पावर, एनिमल पावर आपने देखा होगा पुराने समय में ऊंटों से या बैलों से क्या किया जाता था, कुओं वगैरह से पानी निकाला जाता था तो वहां पे एनिमल पावर यूज किया जाता था। लेकिन आजकल जो मोस्ट रिसेंट है वो मैकेनिकल पावर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, जिसमें अपन इंजन यूज करते हैं या फिर अपन इलेक्ट्रिक मोटर यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप वगैरह आते हैं, समरसिबल पंप आते हैं, आजकल ये सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। ये लार्ज स्केल पे वॉटर को क्या
कर सकते हैं बेटा, लिफ्ट करने की कैपेबिलिटी होती है, जबकि ह्यूमन पावर होता है वो लार्ज स्केल पे वोटर को लिफ्ट नहीं कर सकता। या फिर ये मान लो कि जब डेप्थ कम होती है तब इस तरीके की मैकेनिज्म काम में ली जाती है। आजकल तो पानी की कमी हो गई तो बहुत ज्यादा डेप्थ पे पानी चला गया तो पॉसिबल है भी नहीं, लेकिन पुराने समय में अच्छा खासा पानी हुआ करता था, सरफेस से वोटर हुआ करता था, उस समय ह्यूमन पावर सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। तो आज की क्लास में अपन पढ़ने वाले हैं ह्यूमन पावर डिवाइस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपन आज की क्लास ह्यूमन पावर डिवाइस। तो आपकी फर्स्ट जो कैटेगरी है वो ह्यूमन पावर्ड डिवाइस। ह्यूमन पावर डिवाइसेज, नाम से पता लग रहा है कि इसमें ह्यूमन पावर का यूज किया जाएगा। और जैसा अपन ने पहले भी पढ़ा है कि ऑन एवरेज ह्यूमन होता है वो 0.1 हॉर्स पावर जनरेट करता है। अब इसने जब पावर 0.1 हॉर्स पावर जनरेट की है तो इसका मतलब ये काम भी 0.1 एचपी जितना ही कर सकता है। मतलब अगर आपको स्मॉल क्वांटिटी में वोटर लिफ्ट करना है तब आप इस टाइप की मैकेनिज्म को काम में ले सकते, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं है। तो सबसे पहले ह्यूमन पावर डिवाइस की बात करें तो इसमें ह्यूमन पावर यूज की जाती है, 0.1 एचपी यहां पे क्या होती है बेटा, जनरेट होती है। अब देखो ह्यूमन पावर डिवाइस में जो सबसे पहला डिवाइस है वो है स्विंग बास्केट। और स्विंग बास्केट से क्वेश्चन पूछा भी गया था लास्ट एओ के एग्जाम में। तो ध्यान रखना है अपन जो एओ है, मोस्ट कॉमनली एओ के एग्जाम में ये सारी चीजें या एओ के सिलेबस में सारी चीजें दे रखी है, लेकिन डब्ल्यूओ में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एओ और डब्ल्यूओ के रिगार्डिंग ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है और दो क्वेश्चन आपके अप्रोक्सीमेटली यहां से पूछे जाते हैं। स्विंग बास्केट की बात करते हैं तो ये बहुत पुराना यानी स्टार्टिंग का मोस्ट एंशियंट मेथड है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्विंग बास्केट मेथड है वो एक कैसा मेथड है, एक ओल्डेस्ट मेथड है या फिर ये बोल लो मोस्ट एंशिएंट मेथड, ये आपका बन जाता है। सिंपल टर्म में बोलोगे तो ये क्या है भाई, एक ओल्ड मेथड। अपन ने बोला भी था कि अपन ओल्ड से न्यू की तरफ चलेंगे, तो ये अपना पहला मेथड है, ओल्ड मेथड या एंशिएंट मेथड। इस मेथड के अंदर क्या किया जाता था कि जैसे मान लिया मेरे पास में एक लैंड है, खेत है, इस खेत के अंदर या मान लिया एक पोंड है जो पानी से भरा हुआ है, और मैंने क्या किया इस पोंड के पानी को मेरे खेत में मुझे डालना है या फिर किसी नाली में डालना है, वो नाली से होता हुआ मेरे खेत में जाएगा। तो मैंने सिंपली क्या किया, एक बास्केट ली और एक बास्केट आपकी जैसे मान ली ये बास्केट होगी, इस बास्केट में मैंने क्या किया चारों कोनों में चार रस्सी बांधी और इन रस्सी को पकड़ने के लिए एक इंसान यहां पे खड़ा कर दिया, दूसरा इंसान यहां पे खड़ा कर दिया। जैसे मान लिया एक इंसान उधर खड़ा है, एक मैं इधर खड़ा हूं, मैंने क्या किया एक बास्केट ली और बास्केट के दो रस्सी इधर बांधी, दो रस्सी उधर बांधी, मैंने क्या किया इस एक तरफ से मैंने पकड़ लिया, दूसरी तरफ से मैंने किसी दूसरे बंदे को खड़ा कर लिया, उसको पकड़ लिया, मैं इसको पानी में डुबाऊंगा और इधर की तरफ डाल दूंगा। इसका एक सिंपल डायग्राम मैंने यहां पे आपको शो किया है। यहां पे ये स्विंग बास्केट है, एक पर्सन आपका देखो यहां पे खड़ा है और दूसरा पर्सन आपका यहां पे खड़ा है और ये बीच में देखो एक बास्केट है। इस बास्केट की खास बात क्या है कि ये ट्राइंगुलर शेप में बनी हुई है, मतलब पीछे की तरफ से तो बंद रहेगी और आगे की तरफ से खुली रहेगी। मतलब मान लिया कि मेरे को पानी इधर की तरफ फेंकना है तो इधर पीछे इसका पीछे वाला पार्ट ये हो गया, ये तो बंद रहेगा और आगे वाला पार्ट खुला रहेगा। तो क्या हुआ, मैंने इधर पानी में डुबोया और पानी में डुबोकर इसको क्या किया, उधर पानी को अपने मेन लैंड में ट्रांसफर कर दिया। सेम चीज यहां पे भी देख सकते हो, अपन इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, इस इमेज को अगर देखो इस इमेज को थोड़ा सा बड़ा करके देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा यहां पे कि देखो ये देखो ये एक इन्होंने क्या कर रखी है बेटा, यहां पे नाली बना रखी है और इस नाली से होता हुआ पानी जा रहा है। इधर वाले लैंड में देखो इस वाले में पूरे में पानी भरा हुआ है, तो अब इधर से इन्होंने क्या किया देखो, एक बास्केट ले रखा, पीछे की तरफ से इसका मुंह बंद है, आगे की तरफ से खुला है, इन्होंने बास्केट को डुबाया, डुबो के इधर की तरफ इसको निकाल दिया। तो ये तब यूज किया जाएगा जब पानी की डेप्थ ज्यादा नहीं होगी। पानी की डेप्थ क्या होगी, बहुत कम होगी, मिनिमल डेप्थ होगी, तब अपन इस टाइप के मेथड को यूज करते हैं। और इस मेथड से अपन क्या कर सकते हैं, जो अपने आसपास वाले लैंड होते हैं उन्हें इरिगेट किया जा सकता है। पुराने टाइम पे एक ओल्डेस्ट मेथड था तो एंशिएंट मेथड अपन ने इसको बोल दिया। इस मेथड की खास बात क्या थी कि इसके लिए मिनिमम कितने परसेंट 2% की रिक्वायरमेंट होती है। इंपोर्टेंट चीज अपन पढ़ने वाले हैं, 2% रिक्वायर्ड होते हैं। मतलब अगर एक अकेला इंसान है तो एक तरफ से पकड़ सकता है, दूसरी तरफ से नहीं पकड़ सकता, दो इंसानों की मिनिमम आपके क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है। और ये
जो वाटर सप्लाई करते हैं वो जैसे मान लिया अपने आजकल समर्सिबल पंप आते हैं, इनमें तो एक पाइपलाइन से दूसरी पाइपलाइन तक, मतलब यहाँ पे अगर अपना ट्यूबवेल है तो यहाँ से अपन क्या करते हैं 100 मीटर 200 मीटर या 400 मीटर दूर या फिर आपका 1 किलोमीटर तक भी अपन वाटर को ले जा सकते हैं। लेकिन ये मोस्ट कॉमनली तब यूज किया जाता है जब अपने को क्या करना है, मान लिया यहाँ पे पानी और इसके जस्ट पास वाले लैंड में क्या करनी है, डायरेक्ट वाटर की सप्लाई करनी है। तो ये कब यूज किया जाता है, जब अपने को क्या करनी है, डायरेक्ट वाटर की क्या करनी होती है बेटा, सप्लाई करनी होती है, किसमें, टू फील्ड और चैनल के अंदर, किसी फील्ड के अंदर या फिर किसी चैनल के अंदर डायरेक्ट वाटर की सप्लाई करनी होती है, तब आप ये वाला मेथड मोस्ट कॉमनली यूज करते हो। तो ये तो हो गई इसकी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें जो अपने को पढ़नी थी। अब दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो अपने को इस मेथड की देखनी है, जो मैं यहां पे लिख देता हूं, इस मेथड की सबसे खास बातें हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले इसकी वाटर लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी होती है, ऑप्टिमम लिफ्ट कैपेसिटी, तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑप्टिमम लिफ्ट कैपेसिटी कितनी होती है, तो ऑप्टिमम लिफ्ट कैपेसिटी होती है 0.3 से लेकर 0.5 मीटर तक, मतलब वाटर को ये 0.3 मीटर से लेकर 0.5 मीटर की हाइट तक लिफ्ट कर सकता है। जैसे मान लिया जहां पे पानी भरा हुआ वहां से वो 0.3 से 0.5 मीटर, मतलब लगभग 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर की हाइट तक लिफ्ट कर देता है। और इस तरीके से लिफ्ट करते हुए अपन किसी भी लैंड में पर हावर के अंदर 14,000 से 19,000 लीटर तक वाटर को सप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए एवरेज डिस्चार्ज रेट, इन्हीं से दो चीजों से मेजर क्वेश्चन बनते हैं, या तो ऑप्टिमम कैपेसिटी या एवरेज डिस्चार्ज रेट पूछा जाता है। तो एवरेज डिस्चार्ज रेट, डिस्चार्ज रेट समझते हो, डिस्चार्ज रेट का मतलब होता है कि आपने यहां से जो पानी बाहर निकाला है, मान लिया ये एक आपका क्या था, एक ऐसा एरिया था, पोंड था जिसमें पानी भरा हुआ था, इससे आपने पानी को बाहर निकाला और पास वाले खेत में डाला, तो इससे जो पानी बाहर निकाल रहे हो उसको अपन बोलेंगे डिस्चार्ज रेट या डिस्चार्ज कैपेसिटी। तो ये कितनी होती है बेटा, 14,000 टू 19,000 लीटर पर हावर, यानी एवरी वन हावर के अंदर 14,000 से लेकर 19,000 तक वाटर को आप इस तरीके से लिफ्ट कर सकते हो। ये आपका कौन सा हो गया भाई, स्विंग बास्केट टाइप। इसमें से ये क्वेश्चन था स्विंग बास्केट का कि ऑप्टिमम कैपेसिटी कितनी होती है स्विंग बास्केट की लिफ्ट करने की, ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब 0.3 से 0.5 तो नहीं दे रखा था, तो इसके आसपास की रेंज देख लेना, जब आपके फाइनल पेपर आया था तो उसमें एक ऑप्शन दे रखा था लेस देन 1.2 मीटर, तो राइट आंसर हो जाएगा उसका लेस देन 1.2 मीटर। तो ये आपका क्वेश्चन था, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है मैं मेरी मर्जी से नहीं बता रहा हूं, जो पूछा गया था वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। अब सेकेंड जो मेथड आता है वो आता है आपका डॉन टाइप। देखो डॉन टाइप की अगर मैं बात करें तो ये भी आपका मैन्युअली ऑपरेटेड है, मैन्युअली मतलब ऑटोमेटिक मेथड नहीं है, ह्यूमन इसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन खास बात ये है कि स्विंग बास्केट में मिनिमम 2% की रिक्वायरमेंट होती थी, जबकि यहां पे एक सिंगल पर्सन से भी काम चल जाएगा। तो दो चीजें आपके यहां पर आ गई, पहली इंपॉर्टेंट चीज ये क्या होता बेटा, मैन्युअली ऑपरेटेड होता है, और इसके ऑपरेशन के लिए सिंगल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, मतलब दो पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे यहां पे आप देखो ये एक आपका कौन सा है, डॉन टाइप का क्या है आपका वाटर लिफ्टिंग डिवाइस है। इसमें देखो क्या किया, एक सीधे अपन ने क्या किया, एक पिल्लर एक लकड़ी या कुछ भी आप मान लो अपन ने यहां पर लगाया, एक पिलर या एक लकड़ी अपन ने यहां पे लगा दी, और अपन ने क्या किया इसके काउंटर में यहां पे क्या कर दी, एक दूसरा आपका पिलर आपने लगा दी, एक लकड़ी लगा दी मान लिया, ये आपने एक लोहे की रोड या लकड़ी लगा दी। अब इस लोहे की रोड या लकड़ी के ऊपर यहां की तरफ आपने काउंटर वेट डाल दिया, वजन डाल दिया, ठीक है। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी चीज अपन समझेंगे, और इससे एक रस्सी बांधकर आपने यहां पर एक बॉट की शेप की, एक बॉट की स्ट्रक्चर का जैसा आपने कुछ बना लिया। अब ये बॉट की स्ट्रक्चर कैसी है ये समझना, ये देखो इसका ये एक पार्ट तो बंद रहेगा और दूसरा पार्ट क्या रहेगा, इसका खुला रहेगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे मान लिया एक एग्जांपल के लिए समझो, मैं यहां पे कुछ बुक उठा रहा हूं,
इनसे अपन समझेंगे। ये मतलब एक तरीके की स्ट्रक्चर ऐसी होगी कि मान लिया ये देखो ये तो इसका नीचे वाला पार्ट हो गया, ये इसका ये वाला पार्ट हो गया, और अपन ने जैसे मान लिया अभी मेरे पास कोई दूसरी बुक नहीं है तो मैं ये फोन उठा रहा हूं, ये इसका तीसरा पार्ट हो गया। तो अब देखो इसके बीच में एक नाली बनेगी, इस नाली में पानी भर जाएगा। अब इसका जो पीछे वाला पार्ट है वो तो अपन बंद कर देंगे, मतलब ये इधर वाला पार्ट है ये तो अपन ने बंद कर रखा है और इधर की तरफ खुला है, इधर आपकी इरिगेशन के लिए एक नाली बना रखी है, कैनाल बना रखी है। तो अब क्या करेंगे अपन, ये नीचे की तरफ देखो पानी भरा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो एक पर्सन भी इन्वॉल्व हो जाता है, एक इंसान आता है इसको नीचे की तरफ पुश करता है, पुश करता है तो क्या होगा, ये जो यहाँ पे ये मैंने जो आपका एक सिंपल टर्म में अपन ने बोलता बोट की जैसी स्ट्रक्चर जो अपन ने बनाई थी, ये स्ट्रक्चर कहाँ चली जाएगी, नीचे की तरफ चली जाएगी, पानी में डूब जाएगी तो पानी से भर जाएगी। ध्यान रखने वाली बात क्या है, पानी से भरने के बाद में इसका जो वेट होगा वो कभी भी काउंटर वेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब हमेशा काउंटर वेट ज्यादा होना चाहिए। काउंटर वेट ज्यादा होगा तो क्या होगा, जैसे ही इंसान इसको छोड़ेगा तो ये क्या होगा, काउंटर वेट इधर की तरफ ज्यादा लगेगा, इधर की तरफ ज्यादा लगेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा तो ये अपने आप ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो इसको ऊपर उठाएगा, ऊपर उठाएगा तो ढलान इधर की तरफ आएगा, ढलान इधर की तरफ आने की वजह से इसका वाटर बाहर निकलकर इधर की तरफ आ जाएगा। इस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। अब इसके लिए दो इंसानों की जरूरत है, एक इंसान है तो भी काम चल जाएगा, क्यों, क्योंकि ये एक इंसान क्या कर रहा है, इसको नीचे की तरफ क्या कर रहा है, खींच रहा है, नीचे की तरफ खींचेगा तो पानी में डूब जाएगा, डूबते छोड़ देगा तो ये अपने आप पूरी प्रोसेस हो जाएगी, फिर ये नीचे की तरफ खींचेगा फिर पानी में डूब गया, पानी भर जाएगा। अब देखो ये पानी से भरने के बाद पीछे वाला पार्ट है ये तो बंद है, इस वजह से पानी क्या होगा, देखो ये आपके डॉटेड लाइन से दिखा भी रखा है कि इधर की तरफ नीचे की तरफ डूबेगा तो इधर ढलान हो जाएगा, लेकिन इधर की तरफ तो ये बंद है तो पानी बाहर नहीं कर नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ऊपर की तरफ जाएगा तो ढलान इधर की तरफ हो गया, इधर की तरफ हो गया तो इधर तो ओपन मुंह था तो ओपन मुंह से पानी निकलकर बाहर चला जाएगा। तो ये आपका डॉन टाइप का क्या था बेटा, आपका वॉटर लिफ्टिंग डिवाइस था। सेकंड डिवाइस है आपके स्विंग बास्केट के बाद में, ये मैन्युअली ऑपरेट होता है और सिंगल पर्सन इसको ऑपरेट कर सकता है। किसकी शेप का होता है, अभी अभी अपन ने बात की कि ये बोट की स्ट्रक्चर जैसा होता है, एक नाव होती है ना सेम वैसा ही होता है, जैसे नाव आपने देखी है बीच में क्या होता है गड्ढा होता है साइड में वाल होती है, सेम उसी तरीके से, बस आपको क्या करना है नाव का एक पार्ट कट कर देना है और जो कट किया पार्ट वो इधर की तरफ रहेगा और दूसरी तरफ का बंद पार्ट इधर की तरफ रहेगा और कुछ नहीं, एक बोट का जैसा इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और इसका क्या होगा, बोट की जैसे स्ट्रक्चर है जिसमें क्या रहेगा आपके वन साइड ओपन रहेगी और वन साइड क्या रहेगी भाई क्लोज रहेगी, बस सिंपल टर्म, एक तरफ अपन ने ओपन कर दिया और दूसरी तरफ अपन ने क्लोज कर दिया। जो क्लोज पार्ट था, जो ये देखो जो क्लोज पार्ट था, ये देखो ये क्लोज पार्ट था, इस क्लोज पार्ट को अपन ने क्या कर दिया, एक रस्सी से बांध दिया, रॉप से अपन क्या कर दिया, इसको टाइट कर दिया। तो अपन बोल सकते हैं क्लोज पार्ट होता है वो टाई कर दिया जाता है किससे भाई, रॉप से। किसके ऊपर टाई कर दिया जाता है, जो काउंटर वाट वाली जो आपके लाइन होती है उस, या फिर जो आपके पिलर होता है या जो रोड होती है उस रोड से अपन टाइट कर देते हैं। जिन मोस्ट कॉमनली क्या होती है, वो एक आपके लकड़ी की एक वुडन की बनी हुई रोड होती है जिससे अपन क्या कर देते हैं, इसको टाई कर देते हैं, यानी टाई का मतलब हो गया बांध देते हैं अपन इससे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया भाई, ये आपका हो गया डोन टाइप। अब डोन टाइप की वॉटर लिफ्टिंग और डिस्चार्ज दो चीजें तो अपनी इंपॉर्टेंट है, वो तो अपने को पढ़नी पड़नी है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि डोन टाइप की ऑप्टिमम डिस्चार्ज रेट क्या है या ऑप्टिमम लिफ्ट कैपेसिटी कितनी है, कि कितनी कैपेसिटी तक ये पानी को उठा सकता है, पानी की डेप्थ कितनी होगी, बहुत ज्यादा डेप्थ होगी तो ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि अपने को पता है, देखो अपने को पता है कि यहां पे पानी है उसको लिफ्ट करके केवल यहां तक पहुंचा पा रहा है, यहां वाले वोटर को केवल यहां तक पहुंचा पाता है, इससे ज्यादा पहुंचा नहीं पाता, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट तो हमेशा फिक्स है, ये वाला पार्ट नीचे आएगा फिर ये ऊपर जाएगा, बस इतना ही पॉसिबल है। तो बहुत ज्यादा हाइट तक तो ये भी लिफ्ट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी ये 0.5 से लेकर 1 मीटर की हाइट तक लिफ्ट कर सकता है। तो इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी होगी 0.5 टू 1 मीटर की हाइट तक, सिंगल पर्सन ऑपरेटेड होता है। और डिस्चार्ज कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, डिस्चार्ज कैपेसिटी का मतलब समझ गए होंगे कि पर हावर के अंदर कितना वाटर इससे बाहर निकलता है। तो डिस्चार्ज कैपेसिटी इसकी होती है बेटा वो होती है 9000 से लेकर 13000 लीटर, मतलब पर हावर के अंदर 9000 से लेकर 13000 लीटर वाटर यहां से बाहर निकाला जाता है या यहां से डिस्चार्ज किया जाता है। तो ये हो गया आपका कौन सा भाई, डोन टाइप का वाटर लिफ्टिंग डिवाइस।
अब जो थर्ड टाइप का आपका वोटर लिफ्टिंग डिवाइस है वो है आर्किमिडियन स्क्रू टाइप। यानी ये जो वोटर लिफ्टिंग डिवाइस होता है ये स्क्रू की स्ट्रक्चर जैसा होता है, इस वजह से इसको आर्किमिडियन स्क्रू टाइप कहा जाता है। चलो, सेकेंड आपका डॉन टाइप हो गया था। थर्ड आपका जो वोटर लिफ्टिंग डिवाइस है वो कौन सा भाई? आपका आर्किमिडियन स्क्रू टाइप। ठीक है, आर्किमिडियन स्क्रू टाइप। नाम से पता लग रहा है कि ये वोटर लिफ्टिंग डिवाइस एक स्क्रू के जैसे स्ट्रक्चर का होता है। जैसे आप सभी ने देखा होगा स्क्रू कैसा होता है, स्क्रू होता है रोटेट करने वाला होता है, सेम वैसे ही स्ट्रक्चर अगर आपके यहां पे भी दिखती है तो इसका मतलब वो आपका हो गया आर्किमिडियन स्क्रू टाइप। ठीक है, मतलब जैसे आपका, आप ऐसे मान के चलो कि यहां पे ये आपके पास में क्या हो गया, एक सोर्स हो गया जहां पे पानी था, और यहां पे क्या हो गया, रिसीवर हो गया जहां तक पानी को पहुंचाना है। ये हो गया एक सिंगल एक्सिस और इसके चारों तरफ स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है। अब देखो स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर बनी है, यहां पे एक हैंडल लगा हुआ है जिससे अपन क्या करेंगे, इस स्क्रू को रोटेट करते रहेंगे। अब रोटेट करने से क्या होगा, जैसे आप सभी ने देखा होगा स्क्रू के ऊपर आप अपना हाथ रखो, एक सिंपल प्रोसेस आपको करनी है कि स्क्रू लो कोई भी, उसके ऊपर अपना हाथ रखो और उसे रोटेट करो। आप क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज उसे रोटेट करोगे तो या तो अपना हाथ होगा वो स्क्रू में पीछे की तरफ जाएगा या आगे की तरफ आएगा, सेम वही प्रोसेस है। वोटर के अंदर क्या है, स्क्रू डूबा हुआ है, आप इसे रोटेट करोगे तो वोटर क्या होगा, इस स्क्रू के उस हिंज में फंस जाएगा, और फंसने के बाद वोटर कहां जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। इसी टाइप से ये प्रोसेस चलती रहती है, तो इस प्रोसेस को अपन ने नाम दे दिया आर्किमिडियन स्क्रू टाइप। ये भी मैन्युअली ऑपरेटेड होता है क्योंकि ऑटोमेटिक तो हो नहीं रहा, इंसान लग रहा है यहाँ पे हाथ से घुमा रहा है। अब यहां पे सिंगल पर्सन ऑपरेटेड भी हो सकता है और डबल पर्सन या टू पर्सन ऑपरेटेड भी हो सकता है। तो प्रोसेस कैसी होगी, ये भी बेटा आपकी मैन्युअली ऑपरेटेड होती है, और यहां पे जो मैन्युअली ऑपरेटेड होता है वो या तो सिंगल पर्सन ऑपरेटेड हो सकता है या फिर डबल पर्सन ऑपरेटेड हो सकता है। यानी या तो एक इंसान ऑपरेट करेगा या फिर दो इंसान इसको ऑपरेट करेंगे। ये किसका बना हो सकता है, ये वुड का भी बना हो सकता है और मेटल का भी बना हो सकता है, दोनों का बना हो सकता है। मतलब इसकी जो प्रिपरेशन की प्रोसेस होती है वो या तो वुड से बनाया जाता है या फिर मेटल से प्रिपेयर किया जाता है, दोनों में से किसी भी तरीके से इसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, रोटेटिंग टाइप का हैंडल होता है इसके अंदर, जैसे मैंने बताया आपको कि इसका जो हैंडल होता है वो रोटेटिंग टाइप का होता है, रोटेट करते हैं हैंडल को, और जो इसका सेंट्रल एक्सिस होता है, ये देखो इसका सेंट्रल एक्सिस हो गया, ये फिक्स रहेगा हमेशा, ये अपनी जगह पे रोटेट करता रहेगा, स्क्रू इसके चारों तरफ की एक स्ट्रक्चर होगी जो घूमती रहेगी, लेकिन सेंट्रल एक्सिस हमेशा क्या रहेगा, ये सेंट्रल स्पैंडल हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो ये कैसा होता है, रोटेटिंग टाइप इसमें हैंडल होता है जो अटैच होता है, अटैच विद फिक्स एक्सल या फिक्स स्पैंडल, ठीक है, या फिक्स सेंट्रल लाइन। ठीक है, एक ही बात है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई आपके आर्किमिडियन स्क्रू टाइप की। इसके अंदर अगर अपन बात करते हैं तो जो आपका ये जो स्क्रू होता है ये हमेशा, जैसे मान लिया ये स्क्रू है तो ये हमेशा, ये जो मान लिया ये सरफेस होगी और सरफेस से जो स्क्रू का एंगल होगा वो हमेशा कितना होना चाहिए, 30 डिग्री से कम होना चाहिए, लेस होना चाहिए। अगर इससे कम है तो ये मोर इफेक्टिव है। रीजन क्या है, रीजन सिंपल सा है कि अगर ये इससे कम होगा तो ये क्या होगा, अच्छे से वोटर को लिफ्ट कर पाएगा। समझो, ये मान लिया सरफेस है, मैंने इसको यहां पे लगाया, मान लिया ये मेरा लगा हुआ, ये लेस देन 30 है, मान लिया 15 डिग्री पे एंगल पे है, तो ज्यादा इंक्लाइन पोजीशन नहीं बनी, ये आसानी से वोटर को लिफ्ट कर सकता है रोटेट करता हुआ। लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लगा दिया 90 डिग्री पे तो आप कितना ही रोटेट कर लिए वोटर को लिफ्ट कर ही नहीं पाएगा। आप स्क्रू को भी देखना, स्क्रू को पानी में डुबो ना और उसको घुमाते रहना, सीधा वर्टिकल रहेगा तो वोटर को लिफ्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन जितना स्लाइट एंगल बनेगा, जितना कम हाइट रहेगी उतना ज्यादा वोटर को अच्छे तरीके से लिफ्ट करेगा। इसका मतलब अगर एंगल लेस देन 30 बन रहा है सरफेस से, इसका मतलब वो मोर आपके पास में इफिशियंट पोजिशन होगी वोटर को लिफ्ट करने के लिए। और जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा 30, 40, 45, वैसे वैसे क्या होता जाएगा,
वाटर लिफ्टिंग कैपेसिटी क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि इस आर्किमिडियन स्क्रू टाइप की ऑप्टिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी होती है, तो अगर आपसे पूछा जाता है ऑप्टिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी, तो ऑप्टिमम लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है बेटा 0.5 से लेकर 1.2 मीटर की हाइट तक ये वाटर को लिफ्ट कर सकता है। कितनी कैपेसिटी होती है, 0.5 से लेकर आपके 1.2 मीटर की हाइट तक वाटर को लिफ्ट कर सकता है। साथ में डिस्चार्ज कैपेसिटी की बात करते हैं, तो डिस्चार्ज कैपेसिटी की होती है सेम सिंग बास्केट की जितनी, ये पर यूनिट टाइम में कितना वाटर बाहर निकाल सकता है, तो डिस्चार्ज कैपेसिटी होती है इसकी 14,000 to 19,000 लीटर पर हावर, यानी 1 hour के अंदर ये 14,000 से लेकर 19,000 लीटर को वाटर को क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है। जैसे आपको यहां पे दिख ही रहा होगा ये आर्किमिडियन स्क्रू है, अगर आप इस स्क्रू के ऊपर की तरफ देख रहे होंगे तो एक हैंडल लग रहा होगा जिससे रोटेट किया जाता है, और देखो ये आपके क्या है, पानी से भरी हुई स्ट्रक्चर है और वोटर को लिफ्ट करके ऊपर तक पहुंचाना है। अब देखो ये स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर है और इस स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर से होता हुआ, जैसे मान लिया यहां से ये स्क्रू लाइक स्ट्रक्चर है, इससे होता हुआ ये वोटर यहां तक पहुंच गया, ये ऊपर वाला एरिया था, वोटर को उसके सोर्स से उसके रिसीवर तक लिफ्ट कर दिया, तो यही वोटर लिफ्टिंग डिवाइस हो गया। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज समझो, अगर सोचो ये एंगल ऐसा बना हुआ तो ये वोटर लिफ्ट करते हुए आसानी से पहुंच गया, लेकिन अगर ये बिल्कुल ऐसे होता तो क्या ये वोटर को अच्छे तरीके से लिफ्ट कर पाता, नहीं कर पाता। इसीलिए बोला जाता है कि यहां पे ये इसका फ्लैट लाइन होगी, तो यहां से इसका एंगल होना चाहिए वो लेस देन 30 डिग्री होना चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए भाई, लेस देन 30 डिग्री का एंगल ये बनाने चाहिए, इससे ज्यादा का एंगल नहीं बनाना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, मोस्ट इफिशियंट अगर वोटर लिफ्टिंग करनी है तो ये जो ड्रम है ये ड्रम हाफ वोटर से सबमर्ज होना चाहिए, ये देखो हर एक कंडीशन में देखोगे ना तो ये ड्रम हाफ वोटर से भरा हुआ है तो ये बेस्ट है। अगर हाफ नहीं भरा होगा, जैसे मान लिया कि भाई आपने इसको और ज्यादा ऐसे एंगल पे लगा दिया, तो क्या होगा, वोटर तो हमेशा अपनी हॉरिजॉन्टल पोजीशन ही रखेगा। अब देखो ये ऐसी कंडीशन है तो ये हाफ था, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे आ जाएगा तो ये बिल्कुल मतलब मान लिया ऐसे खड़ा हो जाएगा तो इसका मतलब ये ऐसे रहेगा, अब इसका हाफ तो यहां जाके बनता लेकिन ये तो सीधी कंडीशन में रहेगा, तो इसका मतलब हाफ फिल नहीं होगा, और हाफ फिल नहीं होगा तो क्या होगा, वोटर को अच्छे तरीके से लिफ्ट नहीं करेगा, इसका मतलब क्या होना चाहिए, आधा पानी से डूबा हुआ होना चाहिए। इफिशियंसी मैक्सिमम तभी हो पाएगी जब लोअर एंड है ड्रम का वो हाफ क्या होना चाहिए, वोटर में सबमर्ज होना चाहिए। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इफिशियंसी मैक्सिमम व्हेन लोअर हाफ ऑफ ड्रम सबमर्ज्ड इन वॉटर, जो लोअर हाफ है वो वॉटर में सबमर्ज्ड होना चाहिए, वॉटर में डूबा हुआ होना चाहिए, तब जाकर इसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी आएगी। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज, बाकी दोनों मेथड कौन कौन से, स्विंग बास्केट मेथड और डॉन, जो डॉन मेथड था उसके कंपेयर में मोर इफिशियंट है, तो अपन यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, मोर इफिशियंट मेथड देन प्रीवियस वन, पहले वाले मेथड के कंपेयर में, प्रीवियस बोथ लिख लो, पहले वाले दोनों मेथड के कंपेयर में ये मेथड मोर इफिशियंट मेथड है। तो ये तो हो गया भाई आपका थर्ड मेथड, जिसको अपन क्या बोल रहे थे, आपका इसकी टू टाइप या आर्किमिडियन स्क्रू। अब अगला अपन बात करते हैं, तो अगले का नाम आता है आपका निकलकर, अगला क्या है आपका, अगला है काउंटरपॉइस लिफ्ट। ठीक है, काउंटरपॉइस क्यों बोला गया, क्योंकि इसमें काउंटर वेट लगा होता है, इस वजह से इसको काउंटरपॉइस बोला गया। फोर्थ टाइप हो गया काउंटरपॉइस लिफ्ट, नाम से पता लग रहा है काउंटर वेट लगा होगा, ये सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है,
ये जैसे अपन ने पहले बोला था आपके डोन टाइप में, डोन टाइप में क्या था कि जिधर इंसान था उसके अपोजिट टाइप में क्या लगा हुआ था, वेट लगा हुआ था, लेकिन वहां पे लिफ्ट करने के लिए क्या था भाई आपके, एक वहां पे लिफ्ट करने के लिए एक बॉट लाइक स्ट्रक्चर थी जिसको, जिसके अंदर क्या होता था, पानी भरता था, लेकिन यहां पे एक कंटेनर है, आपने क्या किया इससे एक रस्सी बांधी और रस्सी के नीचे क्या कर दिया एक कंटेनर बांध दिया। अब आपने क्या किया इस कंटेनर को पानी के अंदर डुबाया और डुबाने के बाद छोड़ दिया। अब इधर काउंटर वेट लगा हुआ है तो काउंटर वेट लगा हुआ इसकी वजह से ये इसको नीचे की तरफ खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा तो पानी की जो आपकी कंटेनर होगी ये अपने आप ऊपर आ जाएगी, ऊपर आते इसको साइड में निकाल लिया जाएगा। जैसे मान लिया ये कि इन्होंने नाली बना रखी है, चैनल बना रखी है, ये यहां से निकालेंगे, निकालकर पानी को यहां पे छोड़ देंगे, ये पानी इस नाली से, इस कैनाल से होता हुआ बहता हुआ चला जाएगा, फिर वापस से इसको पानी में डुबाया जाएगा, फिर वापस निकला जाएगा। जो डॉन टाइप का था वो सेम वैसा ही है, बस फर्क बस इसमें इतना सा है कि वहां पे अपन एक बॉट लाइक स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे जबकि यहां पे एक बकेट लाइक स्ट्रक्चर अपन यूज कर रहे हैं। चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। हाँ, इसके बहुत सारे काउंटर पॉइस जो लिफ्ट है इसके बहुत सारे अलग अलग नाम भी है, जैसे इसको ढंकी या फिर आपका पिचेट भी कहा जाता है, तो आप बोल सकते हो आल्सो नोन एज डेंकी, या फिर इसको अपन क्या बोल सकते हैं भाई आपका पिचेट भी बोल सकते हैं। तो ये इसके क्या हुए अदर नेम हो गए, पूछे जाते हैं बहुत बार कि क्या इनके अदर नेम होते हैं। इसमें क्या होता है, एक लीवर होता है, एक रस्सी होती है, रस्सी से क्या बना होता है आपका एक बकेट बना होता है। जब हाँ, ये मेथड की एक खास बात ये है कि ये यूज कहां किया जाता है, ये यूज किया जाता है बेटा आपके जो स्ट्रीम होते हैं, ठीक है, रिवर होती है, उन सभी के अंदर। जबकि डॉन टाइप का था वो आपके पास में कोई स्टेशनरी जैसे कोई पोंड वगैरह बना रखा है, फ्लोइंग वाटर नहीं है, वहां पे यूज किया जाता था, जबकि ये फ्लोइंग वाटर के अंदर यूज किया जा रहा, वो फ्लोइंग वाटर में यूज नहीं किया जा रहा था, ठीक है, ये वाटर जब फ्लो कर रहा तब भी यूज कर रहा, जैसे कोई स्ट्रीम होगी, कोई नाली होगी उसमें यूज कर लिया। इसके साथ साथ हाँ, पोंड में भी आप इसको यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि भाई पोंड में यूज नहीं करोगे, पोंड में भी आप इसे यूज कर सकते हो, रिवर में भी आप इसे यूज कर सकते हो, कुआ है वहां पे भी इसे यूज कर सकते हो। हाँ, पर इसको यूज तभी किया जाएगा जब आपका इरिगेटेड एरिया छोटा होगा, आपके पास में जो लैंड की साइज है वो क्या है, कम है, तब जाकर आप इसे यूज करोगे। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि भाई इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी उससे ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, सिंपल सी चीज है, क्योंकि अपन ने एक रस्सी बांधी है और रस्सी के नीचे अपन ने एक बकेट बांधी और कुछ किए नहीं अपन ने, तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी होगी वो जनरली हाई रहेगी, क्योंकि रस्सी जितनी ज्यादा बड़ी होगी उतनी ज्यादा नीचे से, हाँ बहुत ज्यादा नीचे से तो नहीं लिफ्ट कर सकते, लेकिन इसकी जो लिफ्टिंग कैपेसिटी होती है वो 2-3 meters की होती है, मतलब 2-3 meters की डेप्थ तक अपन क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। और वहीं पे अगर डिस्चार्ज की बात करें तो डिस्चार्ज कैपेसिटी इस मेथड की होती है वो 2000 liters per hour की होती है, मतलब अपन 2000 liters water per hour क्या कर सकते हैं आपके किसी भी वॉटर बॉडी से, चाहे वो पोंड हो चाहे स्ट्रीम हो, उससे बाहर निकाल सकते हैं। कौन से मेथड से, काउंटर पॉइस मेथड से। और लास्ट जो आपके ह्यूमन पावर्ड मेथड है उसका है आपका कौन सा, पैडल मेथड, फिफ्थ मेथड आपका हो गया, और ये लास्ट मेथड आपके ह्यूमन ऑपरेटेड का, फिर उसके बाद में एनिमल ऑपरेटेड आपके आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पैडल व्हील मेथड, इसमें एक व्हील होता है इस वजह से इसको पैडल व्हील मेथड कहा जाता है। हाँ, इसका एक अलग से नाम और है जो मोस्ट कॉमनली उसी नाम से जाना जाता है इसको, वो है चक्राम के नाम से, बोल सकते हो आल्सो नॉन एज चक्राम। तो चक्राम या पैडल व्हील एक ही बात है। ये मोस्ट कॉमन, इसकी खास बात क्या है कि ये मोस्ट कॉमनली कोस्ट लाइन रीजन में यूज किया जाता है, जो समुद्र के आसपास वाले एरिया है उनके लिए यूज किया जाता है, और कोस्ट लाइन रीजन है तो फिर वहां पे जो क्रॉप मोस्ट कॉमनली लगाई जाएगी राइस की क्रॉप, तो यूज भी कौन सी क्रॉप में किया जाता है, राइस या पैडी के फील्ड में मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये वाला जो मेथड है वो यूज कहां किया जाता है, तो यूज mostly in coastline area
और क्रॉप जो है वो कौन सी होगी, जो आपके पैडी की क्रॉप, राइस की क्रॉप होगी, उस राइस की क्रॉप में मोस्ट कॉमनली ये मेथड यूज किया जाता है। इसके अंदर क्या लगी होती है बेटा, एक हॉरिजॉन्टल साफट लगी होती है, और इस हॉरिजॉन्टल साफट के ऊपर क्या होते हैं, स्मॉल टूथ या स्पाइक या ब्लेड लगे हुए होते हैं, और इन ब्लेड के अंदर पानी भरता है। देखो समझो ये क्या बताना चाह रहा है, ये आपके पास में क्या है, चक्राम मेथड। चक्राम मेथड क्या बोल रहा है कि ये देखो दो बड़ी बड़ी मेटल की आपकी लाइनें हैं, अपन दूसरा कलर यूज करते हैं, देखो ये मेटल की दो बड़ी बड़ी लाइनें हैं। इन लाइनों के ओरिएंटेशन की खास बात क्या है, इन लाइनों का ओरिएंटेशन थोड़ा सा अलग होता है। जिसे समझो, अगर आपसे बोला जाए कि एक लाइन ये है, तो दूसरी लाइन जो बाहर वाली लाइन है, ये अंदर वाली लाइन है, बाहर वाली लाइन है, तो ऐसे बराबर हाइट पे नहीं होती। जो बाहर अंदर वाली, मतलब अगर ये इस इधर की तरफ से देखेंगे तो बाहर वाली लाइन होगी, ये अंदर वाली लाइन होगी, तो अंदर वाली लाइन थोड़ी सी नीचे लगी होती है। तो अब देखो इनके ऊपर जो बकेट लगेंगे या इनके ऊपर जो ब्लेड्स लगेगी, वो ब्लेड्स कुछ इस एंगल में लगेगी, मतलब बिल्कुल सीधी नहीं होगी, इस तरीके से इंक्लाइन एंगल में लगेगी। मतलब क्या होगा, ये ब्लेड क्या होगी, इधर की तरफ अपना ढलान रखे हुए रहेगी, ये इसकी खास बात है। और ये ब्लेड अंदर की तरफ से खोखली है। अब देखो ये क्या है, नीचे की तरफ पानी भरा हुआ है। अब क्या किया जाएगा, पैडल से इन्हें ऑपरेट किया जाता है, इसलिए इसको पैडल व्हील कहा जाता है। अब देखो एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट लगी हुई है, इस शाफ्ट को अपन ने क्या किया, रोटेट किया, रोटेट किया, तो गियर की वजह से ये क्या हुआ, ये पूरा आपका जो पैडल व्हील है ये रोटेट होता है। ये रोटेट हुआ तो क्या हुआ, इसका ये जो पार्ट है वो नीचे जाकर पानी में डूब गया। पानी में डूबते क्या होगा, इन जैसे मान लिया ये आपके क्या है, ब्लेड्स है, इस ब्लेड्स के अंदर की तरफ खोखला भाग, इसके अंदर पानी भर गया। पानी भरने के बाद भी ये ब्लेड्स ऊपर आएगी, ऊपर आएगी तो क्या होगा, ये पानी बाहर निकलेगा। क्यों क्यों बाहर निकलेगा, क्योंकि बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे नहीं है, इस तरीके से इंक्लाइन पोजीशन पे। अब इंक्लाइन पोजीशन पे जो पानी कहां बाहर निकलेगा, इधर की तरफ। तो ये देखो पानी बाहर निकल रहा है, बाहर निकलते यहां पे कंटेनर लगा हुआ है, तो ये पानी इस कंटेनर में आकर इकट्ठा हो जाएगा। पानी कहां आकर इकट्ठा जाए, कंटेनर में, और ये कंटेनर के साइड में छोटा सा होल बना हुआ है, और होल जहां पे बना हुआ उसी के पास में एक प्लेट लगकर, या फिर ये बोल लो एक कैनाल टाइप की स्ट्रक्चर बनाकर पानी को डायरेक्टली कैनाल में छोड़ दिया जाता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस थी। इसी प्रोसेस को या इसी मेथड को अपन ने चक्राम नाम दिया। क्या बोला अपन ने, आपके यहां पे एक व्हील लगा हुआ था जिसका जो आउटर पार्ट था वो बड़ा था, इनर पार्ट छोटा था, इसकी वजह से हमेशा पानी होगा वो इन ब्लेड में इसी डायरेक्शन में बाहर की तरफ निकलेगा। जहां भी पानी बाहर निकल रहा है वहां पर नीचे एक बड़ा सा कंटेनर बनाया हुआ है, और इस कंटेनर के नीचे एक होल बनाया हुआ है जिससे पानी निकलकर बाहर की तरफ आपके कैनाल में जा रहा है। अब जितना ये आपका रोटेट होता रहेगा, जितने ज्यादा इसके अंदर ये ब्लेड्स लगेगी, उतना ज्यादा पानी ये बाहर निकालने की कैपेसिटी रखता है। हाँ, इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना, इसके अंदर हॉरिजॉन्टल साफट लगती है। और इस हॉरिजॉन्टल साफट से ये क्या करता है बेटा, रोटेट करता है, ठीक है। अब आपका ये क्या करता है, बट एक आपका जो कॉनकेव शेप के अंदर मान लो, या फिर ये मान लो कि एक क्लोज सर्किट के अंदर, एक क्लोज फिटिंग के अंदर ये क्या करता रहता है, रोटेट करता है। जितनी ज्यादा ब्लेडें होगी उतना ज्यादा इसका क्या होगा, आपका वाटर लिफ्टिंग का कैपेसिटी रहेगा। ऑन एवरेज ये माना जाता है कि भाई जितनी ज्यादा ब्लेड उतनी ज्यादा बड़ी स्ट्रक्चर। जैसे समझो मान लिया ये एक आपका स्ट्रक्चर था, इसमें ब्लेडें लगी हुई थी। अब देखो जितनी ज्यादा ब्लेड उतना ज्यादा बड़ा ये व्हील बनेगा कि नहीं बनेगा, इसका लोग जितना ज्यादा बड़ा व्हील बनेगा उतना ज्यादा ऊपर तक पानी को लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा। जैसे मान लियो ये एक व्हील है और ये रोटेट कर रहा है, तो इसकी हाइट इतनी है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम इतनी हाइट तक ही पानी को ले जा सकता है। लेकिन मान लिया एक दूसरा व्हील है जो इससे बड़ा व्हील है, अगर ये रोटेट करेगा तो इससे ज्यादा हाइट तक पानी को लेके जाएगा कि नहीं लेके जाएगा, तो जितना बड़ा व्हील उतना ज्यादा हाइट तक वाटर को लिफ्ट करेगा। और बड़ा व्हील बनेगा कब, जब नंबर ऑफ ब्लेड्स ज्यादा होगी। तो उन्होंने एवरेज ये माना जाता है कि अगर किसी व्हील के अंदर 8 ब्लेड है, अगर किसी व्हील के अंदर 8 ब्लेड व्हील है, तो वो मैक्सिमम 1.2 मीटर तक क्या कर सकता है, वॉटर लिफ्ट कर सकता है। अगर कितनी ब्लेड है, 8, और मैक्सिमम किसी भी व्हील में ब्लेडों की जो काउंट होती है वो हो सकती है 24। मैक्सिमम किसी भी व्हील में जो ब्लेड होती है वो कितनी हो सकती है, 24 ब्लेड हो सकती है। ऑप्टिमम की अगर मैं बात, ये 1.2 मीटर व्हील वाले की मैं बात करता हूं, इसमें क्या होगा, ये व्हील है, वो व्हील है 1.2 मीटर का, ठीक है। तो 1.2 मीटर का जो व्हील है वो व्हील कब बनता है, जब नंबर ऑफ ब्लेड्स एट होती है। अगर 24 ब्लेड है तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि वो आपका कितनी साइज का होगा।
अगर आपसे पूछा जाता है कि ये कितनी इफेक्टिव डेप्थ तक, मतलब आप ये बोल सकते हो ये वोटर लिफ्ट नहीं है, ये तो व्हील की साइज होगी आपकी, कि एड ब्लेड वाले जो व्हील होते हैं उसकी साइज कितनी होती है 1.2 मीटर की। लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, लिफ्टिंग कैपेसिटी कितनी होगी, नियर अबाउट हाफ होगी इसकी, क्योंकि आपको भी पता है व्हील की साइज 1.2 मीटर है, तो इसका मतलब मैंने बोला कि व्हील की साइज 1.2 मीटर है, ये नीचे जाएगा तो पानी में भरेगा, फिर ऊपर आएगा तो इसने उठाया तो हाफ ही ना, तो लिफ्ट तो हाइट इसकी कितनी रहेगी, हाफ ही रहेगी। तो लिफ्टिंग जो हाइट रहेगी वो कितनी रहेगी भाई, 0.45 से 0.6 मीटर की हाइट तक ये वोटर को लिफ्ट कर सकता है। साथ में अगर मैं बात करूं पर यूनिट हावर की या पर यूनिट टाइम में कितने वोटर को ये बाहर निकाल सकता है, यानी डिस्चार्ज कैपेसिटी की, तो डिस्चार्ज कैपेसिटी होती है इसकी 18,000 लीटर पर हावर। अगर 12 ब्लेड वाला आपके क्या है बेटा, वाला ब्लेड वाला आपके क्या है, व्हील है, तो अगर ब्लेड ज्यादा है तो वोटर लिफ्ट करने की कैपेसिटी भी ज्यादा हो जाएगी, और ब्लेड की काउंट कम है तो वोटर लिफ्टिंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। एक रफली आइडिया है कि 12 ब्लेड वाला जो आपका व्हील होगा वो नियर अबाउट 18,000 लीटर पर हावर लिफ्ट कर सकता है। तो ये आपका जो मॉस एंशियंट मेथड थे सारे वो कंप्लीट हो चुके हैं, ह्यूमन से ऑपरेटेड ये सारे इंप्लीमेंट थे। अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं एनिमल ऑपरेटेड आपके डिवाइस या एनिमल ऑपरेटेड वाटर लिफ्टिंग डिवाइस। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और ये क्लास आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। बाकी अगर आपको कंप्लीट एयू का कोर्स चाहिए या डब्ल्यू का कोर्स चाहिए तो आपको अपेक्स स्टडीज के ऑफिशियल एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, जिसपे इसकी आगे की भी क्लासे और इससे पहले की भी जितनी आपकी इंजीनियरिंग की क्लासे हैं, साथ में एग्रो होटी जितने भी पूरा कंप्लीट कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, वो सभी मिलते रहेंगे आपको। तो तब तक आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और शुभकामनाएं इस बात की कि आप भी अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव ले, और आने वाला टाइम में गोल्डन टाइम है, बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है, तो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, पढ़िए कहीं से भी लेकिन पढ़िए जरूर, मैं यही कहना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।